नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट माइंड स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। और आज हम अपने इस रिपोर्ट में बात करने जा रहे हैं श्री कृष्ण लीला की। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में श्री कृष्ण लीला की कुछ बातें आपको बताई, वहीं आज हम अपने इस रिपोर्ट में श्री कृष्ण लीला की आगे की बात आपको बताने जा रहे हैं। आगे क्या हुआ चलिए बताते हैं। बता दें कि आगे जहाँ पर बातचीत होती है और उसके बाद कहा जाता है कि जो ग्रामीण आ जाते हैं, नंद भी आ जाते हैं, नंद बाबा आ जाते हैं। वहीं बता दें आपको कि गांव के जो साथी होते हैं वो भी आ जाते हैं। ऐसे में कहा जाता है, तुम चिंता ना करना, हम तुम्हारी रक्षा के लिए हम सब तैयार हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं, ये बहुत अच्छा किया, मुझे भी तुम सबकी बड़ी याद आ रही थी। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, बाबा मैया कैसी हैं? नंद बाबा कहते हैं कि वह तुझे बहुत याद करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं भी उसे बहुत याद करता हूँ बाबा। फिर दोनों गले मिलते हैं। उधर रंगशाला के उत्सव में कंस का स्वागत होता है और वह सिंहासन पर विराजमान हो जाता है। तभी चाड़ूर आकर बताता है कि महाराज उसने उस कमलिया पीड़ हाथी को मार डाला। यह सुनकर कंस घबरा कर कहता है, नहीं ये असंभव है। चाड़ूर कहता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज। कंस कहता है, अब क्या करें? तब चाड़ूर कहता है, एक जानवर से बचना आसान है, परंतु वह हमारे इन वीर योद्धाओं से नहीं बच सकता। एक एक योद्धा 100-100 हाथियों का बल रखता है। यह सुनकर कंस निश्चिंत हो जाता है। फिर रंगशाला में सबसे पहले अक्रूर जी पधार कर कंस को प्रणाम करते हैं। कंस उन्हें आसन पर विराजने का इशारा करता है। अक्रूर जी अपने आसन पर जाकर बैठ जाते हैं। फिर नंदराय जी पधारते हैं और कंस को प्रणाम कहते हैं। तब कंस कहता है, आइए गोकुलपति, आने में बहुत देर कर दी। तब नंदराय जी कहते हैं, क्षमा चाहता हूँ महाराज, यमुना पार करने में विलंब हो गया। तब कंस कहता है, जाइए, क्षमा किया, परंतु तुम्हारे जिस वीर पुत्र के बहुत चर्चे सुने हैं वह अब तक क्यों नहीं आया? नंदराय जी कहते हैं, वह अपने ग्वाल सखाओं की टोली के साथ पीछे पीछे ही आ रहा है महाराज। यह सुनकर कंस कहता है, अच्छी बात है, आप अपने स्थान पर विराजिए। उधर रंगशाला के बाहर श्री कृष्ण के नाम के नारे लगते हैं जिसकी आवाज भीतर तक सुनाई देती है। राजकुमार कृष्ण की जय, यह सुनकर कंस दंग रह जाता है। श्री कृष्ण के पीछे पीछे उनकी जय जयकार करते हुए कई लोग उनके साथ भीतर आते हैं। श्री कृष्ण और बलराम के कंधे पर हाथी का एक एक दांत रखा होता है। वह दोनों भव्य तरीके से रंगशाला में प्रवेश करते हैं। यह देख कर कंस हैरान रह जाता है। दोनों भाई सीधे रंगशाला के अखाड़े के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। उनके पहुंचते ही प्रांगण में बैठी और खड़ी जनता उनकी जय जयकार करने लगती है। उनकी जय जयकार से रंगशाला गूंज उठती है। कंस ये देखकर कुछ समझ नहीं पाता है। दोनों भाई कंस को प्रणाम करे बगैर ही अखाड़े की बाउंड्री के ऊपर अपना अपना एक पैर रख कर खड़े हो जाते हैं। सभी श्री कृष्ण को देखते रहते हैं। कंस चाड़ूर की ओर देखता है और फिर श्री कृष्ण और बलराम से कहता है, पहली बार किसी राज्यसभा में आए हो, शायद इसीलिए इतनी मर्यादा भी नहीं जानते हो कि राजा के सामने आने पर राजा को प्रणाम किया जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, ये मर्यादा तो केवल उनके लिए है जो राजा से कुछ याचना करने आते हैं, कुछ मांगने आते हैं, परंतु हमें तो स्वयं आपने अक्रूर जी के हाथों में यहाँ आने का न्योता दिया था और फिर मथुरा में प्रवेश करने से पहले हमें आपका राजपत्र भी मिल गया था जिसमें लिखा था कि मथुरा में आपका स्वागत है। ऐसे समय में मर्यादा यही है कि जिसने निमंत्रण पत्र भेजा हो तो पहले उसका धर्म है कि मेहमान के आने पर पहले वो मेहमान का अभिवादन करें। तब कंस खुद को संयमित करके हंसते हुए कहता है, वाह, तुम्हारी वाक चतुराई से हम प्रसन्न हुए, इसलिए हम तुम्हारी इस भूल को क्षमा कर देते हैं जो तुमसे अनजाने में हुई है, क्योंकि गांव में रहने के वजह से तुम्हें अभी राज मर्यादा का पूरा ज्ञान नहीं है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं राजन, हमें राज मर्यादा का भी ज्ञान है और हम जानते हैं कि पहली बार जब किसी राजा से मिलने जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ उपहार लेकर जाना चाहिए। यही सोचकर रास्ते में आते समय एक पागल हाथी को मारकर उसके ये अमूल्य दांत आपको भेंट करने के लिए लाए हैं, इसे स्वीकार करें राजन। यह कहकर वे दोनों हाथी दांत अखाड़े की बाउंड्री पर रख देते हैं। सुनकर कंस अपनी मुट्ठी भींच लेता है। फिर कंस चाड़ूर की ओर देखता है। फिर श्री कृष्ण की ओर देखते हुए कहता है, वाह, इसे कहते हैं वीरता। इससे सिद्ध होता है कि हमने आज तक तुम्हारी वीरता के जो किस्से सुने हुए थे वो झूठ नहीं है। हमें गर्व है कि हमारे राज्य में तुम्हारे जैसा एक परम वीर बालक भी है।
इसलिए हमने मथुरा के इस महान उत्सव में आने के लिए तुम्हें निमंत्रण भेजा था, ताकि देश विदेश से आए योद्धाओं के सामने तुम्हें परम वीरता पदवी प्रदान करके तुम्हारा राजकीय सम्मान किया जाए। परंतु उस सम्मान समारोह से पहले हम चाहते हैं, और यहाँ बैठे सभी लोग भी अवश्य चाहते होंगे, कि जिसकी वीरता के इतने किस्से अपने कानों से सुने हैं, उसकी वीरता का एक प्रदर्शन अपनी आंखों से भी देखा जाए। यह सुनकर अक्रूर जी और नंद बाबा घबरा जाते हैं। फिर कंस कहता है, इसलिए हमने अपने और दूसरे राज्यों से भी चार चोटी के पहलवान बुलवाए हैं। वह पहलवान ये सुनकर श्री कृष्ण और बलराम की ओर देखकर जोर जोर से हंसते हैं। तब कंस कहता है, हम चाहते हैं कि आज इस अखाड़े में तुम्हारा मल्ल युद्ध देखा जाए। इनमें से चाहे जिसे तुम चुन लो और इनके साथ कुश्ती करके जनता का मनोरंजन करो। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि आज तो हम मथुरा का उत्सव देखने आए हैं राजन, कुछ दिखाने नहीं आए हैं, किसी दूसरे अवसर पर आपकी इच्छा भी पूरी कर देंगे। फिर दोनों हंसते हैं। यह सुनकर एक पहलवान अपनी भुजाएं ऊपर उठाकर कहता है कि इससे अच्छा दूसरा अवसर कब आएगा, देश विदेश से लोग फिर कब इकट्ठा होंगे। यह सुनकर कंस प्रसन्न हो जाता है। फिर वह पहलवान कहता है, आज हम इन सबके सामने मल्ल युद्ध में अपना अपना थोड़ा पराक्रम दिखा दें तो दर्शक कितना आनंद लेंगे। यह कहकर वह हंसने लगता है। फिर एक दूसरा पहलवान कहता है, और यदि हमें देखकर तुम्हें डर लगता हो तो दूसरी बात है। तीसरा कहता है, सबके सामने हाथ जोड़कर क्षमा मांग लो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। लगता है कि तुमने जितने कारनामे किए हैं वह भोले भाले ग्वालों के सामने जंगल में छुपकर किए हैं, कौन जानता है कि किए हैं भी कि नहीं। फिर वह चारों पहलवान कई तरह की व्यंग्यात्मक बातें करके दोनों भाइयों को उकसाने का कार्य करते हैं, जनता के सामने उन्हें कमजोर सिद्ध करने का कार्य करते हैं। बलराम को क्रोध आता है, वे उन्हें मारने के लिए उत्तेजित हो जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण उन्हें रोक देते हैं। कंस और चाड़ूर ये दृश्य देखकर अति प्रसन्न हो जाते हैं। सभी सभासद जोर जोर से हंसने लगते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मल्ल शिरोमणि, हम मानते हैं कि मल्ल युद्ध की चुनौती मिलने की वजह से एक वीर को ताल ठोक कर अखाड़े में आ जाना चाहिए, परंतु मल्ल युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं। पहला तो यही है कि मल्ल युद्ध हमेशा दो बराबर वालों में होता है। हमारी और आपकी बराबरी कैसे हो सकती है? और आप मल्ल युद्ध विशारद हैं, आपकी विशाल काय के सामने तो हमारा शरीर एक चौथाई भी नहीं है, इसलिए आपके और हमारे बीच इस प्रतियोगिता को यहाँ पर बैठा कोई भी उचित नहीं कहेगा। यह सुनकर सभी ओर चुप्पी छा जाती है। जनता के बीच से कहता है, कृष्ण ठीक कहते हैं, ये लड़ाई उचित नहीं। तब दूसरा कहता है, एक छोटे बालक के साथ ऐसे महामल्ल की कुश्ती नियम विरुद्ध है, यह अन्याय है। सभी जनता एक साथ कहती है, यह अन्याय है। यह सुनकर कंस और चाड़ूर सोच में पड़ जाते हैं। तब चाड़ूर चीखता हुआ कहता है, नहीं, ये कदाचित अन्याय नहीं है, वीरता की कोई आयु नहीं होती। सर्प यदि छोटा हो तो उसका विष कम जहरीला नहीं हो जाता। एक छोटी सी अग्निशिखा सारे वन को जला डालती है, इसलिए यदि ये अपने आप को वीर परम वीर कहने का दावा करता है तो उसे आज सारी जनता के सामने इस अखाड़े में उसका प्रदर्शन करना चाहिए। आगे क्या हुआ बताएंगे आपको अपने अगले वीडियो में। बता दें आपको कि हमें पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। जय श्री कृष्ण।